एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं ना कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अब बीजेपी के लोगों ने किसी को सनातन समझाया नहीं, बीजेपी के लोगों को समझाना चाहिए। तो अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो कम से कम बैलेट वाली नकल विकसित देशों की जरूर करेंगे। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग, और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के, और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं ना कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते हैं और उससे आप पर निशाना साधा जाता है, क्या बयान से सहमत रहते हैं? धर्म की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जैसी हैं वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। धर्म की किसी चीज पर कोई बहस नहीं हो सकती है, धर्म जैसा होता है वैसा ही स्वीकार करना होता है। सनातन को लेकर एक बयान दिया। अब बीजेपी के लोगों ने किसी को सनातन समझाया नहीं, बीजेपी के लोगों को समझाना चाहिए। सनातन धर्म तो हम ही यही मानते हैं कि पेड़ को पूजो, हवा को पूजो, आग को पूजो, धरती को पूजो। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि आज किसान दुखी है, हमारा नौजवान बेरोजगार है, चरम सीमा पर महंगाई है, इन सवालों के जवाब क्या है उनके पास? सर, तीन स्टेट में चुनाव हो गए, ईवीएम पर अब इस बार सवाल नहीं उठाया गया, क्या लगता है आपको इस बार ठीक रहा? भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया, विकसित भारत बने। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विकसित देशों में जो डेमोक्रेसी को बचाने के जो फैसले लिए हैं वहाँ पर, उस पर विचार जरूर करेगी। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ बैलेट से वोटिंग पड़ रही है, और अमेरिका जैसा देश जो सबसे ताकतवर है वो महीनों वोट डालता है। तो अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो कम से कम बैलेट वाली नकल विकसित देशों की जरूर करेंगे। उस पर क्या कहना, अब तो उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत से लोगों को बुलाया जा रहा है। आप जा रहे हैं? नहीं, ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे, ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप, अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर, अभी आया न्योता नहीं आया अभी? भाई, उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना? भगवान, आप और हम सनातनी नहीं हो तुम? बिल्कुल हो ना। फिर सनातन धर्म में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे।